कहने, आप तो कह रहे हैं कि पूरे भारत का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित आदिवासी एक ही राष्ट्र, तो एक ही डीएनए। वहीं दूसरी तरफ आपके जो लोग हैं वो मॉब लिंचिंग करते फिर रहे हैं, हिजाब नोचते फिर रहे हैं, दाढ़ियां नोचते फिर रहे हैं, आलिस्तान खालिस्तान करते फिर रहे हैं। तो पहले आप ये तय करिए वो कौन सा राष्ट्र है और वो कौन सा डीएनए जो आप एक ललकार दे रहे हैं। देश में जो है बढ़ती जनसंख्या को लेकर जो है भाजपा के नेता है उन्होंने जो है काफी मतलब अफसोस जताया है और ये कहा है कि भारत में जो है क्या नाम है, पहले बिजली नहीं थी इस वजह से जो है देश का जनसंख्या बढ़ा है। नहीं तो जो लोग ये कह रहे हैं वो बताएं कि नरेंद्र मोदी जी कितने भाई हैं, जो लोग ये कह रहे हैं बताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके पूरे खानदान जो है ये लोग कितने बहन, योगी जी कितने बहन भाई हैं। तो लाइट का ठीकरा अगर आप नेहरू परिवार पर फोड़ रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू की सिर्फ एक ही बेटी थी इंदिरा गांधी। अंधेरा अंधेरा की वजह से हुआ है, इनके घर में रोशनी थी। नहीं तो अंधेरा अंधेरा तो मैं जानवर तो नहीं बनाता ना, अगर लाइट हमारी आज भी चली जाती है तो हम खाना नाक से तो नहीं खाते ना, हम अंधेरे में फिर भी निवाला मुंह में ही लेते हैं ना। तो तुम जरूर जानवर होंगे तो तुमने कुत्ते बिल्लियों की तरह लाइन लगाई होगी, गुफाओं की औलाद है, तुम्हें यही नहीं पता कि कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि इनको पता इनको शिक्षा तो देनी नहीं होती है, इनको ये नहीं पता होता इनका बाप कौन है, इनको ये पता इनकी माँ कौन है। तो जो गुफाओं की नाजायज औलाद है और जिनको अब चमकने का शौक है, जो फर्जी भगवा लेकर चल रहे और ओरिजिनल भगवे को बदनाम करें, जो समाज में एक झूठी अराजकता फैला रहे हैं, तो आप तो इनसे पूछिए ना कि अंधेरा अगर अब भी यहाँ कर दोगे, अगर मैं खाना खाऊंगी तो मुंह से ही खाना खाऊंगी। तो इन लोगों की मानसिकता गुलामी की असरात है कि ये लोग अंधेरे को दोष दे रहे हैं। अबे अगर अंधेरा था या उजाला था, इंसान तो तुम तब भी थे, अंधेरा उजाले में तुम्हारी बुद्धि तो तब भी थी या अंधेरे उजाले में तुम्हारी बुद्धि भी अंधकार में डूब गई थी। लोगों के पास पहले काम धंधा नहीं था, बस बच्चे पैदा करने। ये गलत मिथ है और ये गलत मिथ अगर है तो इन्हीं के ऊपर ठीकरा फूटता, यही जरूर कुत्ते बिल्लियों की तरह लाइन लगा रहे होंगे, यही जरूर अंधेरे का नाजायज फायदा उठा रहे होंगे, तो इन्हीं पे अलग ठीकरा फूटता। क्योंकि हमने तो नहीं देखा कि अंधेरे का नाजायज फायदा, हमने तो अपनी सात पुश्तों में नहीं देखा किसी ने। मैम लेकिन दूसरे तरफ जो मुद्दा चल रहा है बिहार का, यूट्यूबर है मनीष कश्यप, उसको लेकर तमाम जो साधु संत सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है मनीष का साधु संत मत बोलिए। हाँ? आप ये कहिए कि फर्जी भगवा दारी आतंकी लोग उसको समर्थन, ओरिजिनल भगवा ओरिजिनल साधु ओरिजिनल महंत उसको समर्थन दे ही नहीं सकता। हाँ? आप देखिए मनीष कश्यप एक आतंकी, एक आप कहिए एक उग्रवादी ट्राइब का एक पत्रकार, टुच्चा लुच्चा पत्रकार है। हाँ? जिसको सिर्फ माइक उठा के भौंकने की बड़ी बीमारी है, तुझे मार दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, इसकी मॉब लिंचिंग कर दूंगा, अपने गुंडों को मोनू मानेश्वर की तरह बुला लेता था और लोगों को पीटता था, बिहार में इसका एक आतंक चलता। क्योंकि बिहार में बीजेपी का समर्थन से जो एक सरकार चल रही थी तो इसके जैसे कुत्तों को भौंकने की बड़ी आजादी थी। अब बिहार में डबल इंजन की सरकार हो गई फुस, अब ये क्या करे, बावले सांड की तरह फिर रहा है। अब क्योंकि इसको पता है कि त्रिपुरा में जो सरकार है वो सरकार जो है कहीं ना कहीं इधर से बहुत ज्यादा सरकार के साथ है, बिहार की सरकार के साथ है, आपस में तालमेल है और वो कुछ अच्छा करना चाहता है। तो इस मनीष कश्यप जैसे आतंकी कुत्ते ने 300 फर्जी वीडियो बनाई जनाब, वहां पर ये दिखा रहा है कि देखो त्रिपुरा में बिहारियों पर जुल्म हो रहा है, बिहारियों को मारा जा रहा है, आपने तो पालतू कुत्ते को उसने पकड़ के उनके किसी पे पट्टी लगा दी, कुछ कर दी, उनकी वीडियो बना के बाकायदा वायरल कर रहा है कि इनको मारा मन वहां पे त्रिपुरा में बिहारियों के साथ ऐसा हो रहा है, जबकि त्रिपुरा में कुछ नहीं हो रहा और वहां से भी वॉन्टेड है, वहां की टीम आ गई, इसे बिहार में ढूंढा जा रहा है। और इसके हौसले देखो, जो पुलिस हमें लाइक करना वो उठा लेती है, फेसबुक पे अगर हम कोई गलत वीडियो लाइक करते हैं तो पुलिस हमें घर से उठाकर ले जाती है। लेकिन मनीष कश्यप के लिए वो रूल्स लागू नहीं होते, मनीष कश्यप तो एक बिस्तर पे गुफा में पड़ा हुआ है, बिस्तर पे से क्या रहा, अगर मनीष कश्यप को किसी ने पकड़ने की कोशिश करी तो याद रखना 180 दिन में तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। तेरे बाप की हिम्मत है, तू गिरा पड़ा, खुद गिरा पड़ा हुआ, गुफा में पड़ा हुआ है, तू क्या गिरा गया, तू तो खुद गिरा पड़ा है। तो ये लोग ऐसे, इनको लगता है कि हम तो भौंकेंगे, हमारे भौंकने से चार पांच भौंकने वाले और पैदा होंगे, वो और ज्यादा भौंकेंगे। तो ये जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं इस पर लगाम लग चुकी है, लेकिन इनको खत्म करा जाएगा। लेकिन मैम जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम जो है सेना के जवान के बेटे हैं, हमारे पास सोना का चम्मच नहीं है, हमारे पास पीतल का चम्मच है, इस तरह कौन सी सेना का जवान का बेटा है, अबे सोना की होगा, खाइयों की गुफाओं की औलाद होगा, सेना का आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता। आप एक उसके पिता की सेना में थे, झूठ बोल रहा है, सेना होगा तो कोई नाजायज औलाद होगा, फिर जायज औलाद नहीं होगा, बाप बेचारा सेना में होगा, पता नहीं क्या क्या होगा पीछे, वही तुम्हारे अंधेरे रोशनी वाली बात। नहीं, सेना का सवाल नहीं उठा रही, सेना को तो मैं सही सैल्यूट करूं, लेकिन कहीं ना कहीं नाजायज औलाद होगा। क्योंकि अगर ये जायज औलाद होता, अगर तेरा बाप सरहद की रक्षा कर रहा था तो तेरा कर्तव्य था कि तू बिहार की रक्षा करता, तू क्या कर रहा था, उल्टे सीधे लोग
लोगों को मार रहा था, किसी की मॉब लिंच के लिए उकसा रहा था, हिंदू राष्ट्र के लिए उकसा रहा था। तो ये अगर नफरत की बात करते हैं तो ये इनके माँ बाप सेना में हो ही नहीं सकते। ये आतंकी सोच के लोग हैं जो आरएस के साथ कदम ब कदम चल रहे हैं और इनको हैवी फंडिंग। उनके माँ कह रही है कि प्रधानमंत्री बनाएंगे बेटा को। हाँ, प्रधानमंत्री बना दो ना, ख्वाब देखने में क्या जाता है, ख्वाब देखने में क्या जाता है। मैं ख्वाब देख लूँ कि मैं प्रधानमंत्री बन गई तो मैं बन गई, ख्वाब देखने में कुछ नहीं जाता, कोई टैक्स नहीं लगता। मोदी जी ने भी ख्वाबों को टैक्स फ्री कर रखा है, तो आराम से देखो प्रधानमंत्री मैं भी देख सकती हूँ कि हो सकता है कि 24 में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, जब मनीष कश्यप बन सकता है, ख्वाब देखने में कुछ नहीं जाता। अरे यार क्या।